हेलो एवरीवन, आई होप सो सारे अच्छे होंगे। पढ़ाई जोरों शोरों पे होगी और तैयारी के क्रम में नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए जैनिज्म के लिए, जैन धर्म इतिहास वाले सेगमेंट को हम लोग देख रहे थे। इतिहास तीन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सेकंड वैदिक सभ्यता को, तीसरा बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट वन इतिहास में देखेंगे हम जैन धर्म। जैन धर्म इसमें मुख्यतः पढ़ना क्या है, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाएं, जीवनी वगैरह एट सकते, ये सारी चीजें उनकी पढ़नी। फाइन, तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, चलेंगे जैन धर्म। हेडिंग लगाएंगे सारे जैन धर्म। बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की बात करेंगे। कितने तीर्थंकर होते हैं टोटल, 24 तीर्थंकरों की बात होगी। कितने तीर्थंकरों की बात होगी, 24 तीर्थंकरों की बात होगी। और ये तीर्थंकरों की जानकारी मिलेगी कल्पसूत्र से, और जो लिखा हुआ है किसने, भद्रबाहु ने। तो यहां लिखेंगे 24 तीर्थंकरों की जानकारी कल्पसूत्र, या ऐसे लिखो भद्रबाहु द्वारा लिखित, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से। भैया जैन धर्म के 24 तीर्थंकर होंगे, टोटल तीर्थंकरों की संख्या होगी 24, इनमें से 24 के 24 की जानकारी मिल रही है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से। नंबर एक कुछ इंपॉर्टेंट है, दो तीन इंपॉर्टेंट शुरुआत के देख लेंगे, दो तीन चार लास्ट के देख लेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा। सारे वैसे भी नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है महावीर, तो महावीर को ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट दो चार और हो जाते हैं उनको देखेंगे। तो पहले वाले थे ऋषभदेव, ऋषभदेव इनको भैया आदिनाथ भी बोलते हैं। आदिनाथ पहले कौन है भैया, पहले हैं ऋषभदेव, इनको बोलेंगे आदिनाथ, ठीक है। और दूसरा नाम इनका केसरिया देव भी बोलते हैं, केसरिया देव, केसरिया देव, राइट। इनका प्रतीक चिन्ह क्या, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह शान, प्रतीक चिन्ह क्या है, शान। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह होगा शान। अच्छा सुनो, इनके दो पुत्र थे ऋषभदेव के, दो पुत्र, एक तो भरत और दूसरे थे बाहुबली। इन्हें महाबली भी बोलते हैं, महाबली। इनकी मूर्ति दक्षिण में, कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में चामुंडा राय ने स्थापित कराई थी। सवाल हो सकता है, चामुंडा राय ने स्थापित कराई। भैया मैंने बताया आपको जैन धर्म के 24 तीर्थंकर टोटल हैं, उनमें से पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव, इनका नाम आदिनाथ या केसरिया देव भी कहा जाता है। इन्हें, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड है। दो पुत्र हैं इनके, एक भरत एक बाहुबली, इन्हें महाबली भी बोलते हैं। इनकी मूर्ति कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है, किसने रखवाई थी, चामुंडा राय ने, ठीक है। अभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और भी सारे हैं दूसरे तीसरे इस तरह से। इन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह, अहिंसा तथा अपरिग्रह की शिक्षा दी थी। मैंने कहा ऋषभदेव ने अहिंसा और अपरिग्रह की शिक्षा दी थी। दूसरे वाले लिख लेंगे अजीतनाथ, अजीत नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह लिखेंगे हाथी। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह लिखेंगे हाथी, और इसके बाद नहीं लिखना है कुछ भी। तीसरा होगा संभवनाथ, संभवनाथ प्रतीक चिन्ह घोड़ा, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। पहला वाला मैंने बात करी ऋषभदेव, इनके बारे में आदिनाथ ने कहा जाता है, केसरिया देव इनका नाम, प्रतीक चिन्ह सांड हो गया। दो पुत्र इनके भरत और बाहुबली, बाहुबली इनकी मूर्ति कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चामुंडा राय ने स्थापित कराई है। अहिंसा और अपरिग्रह दो अवधारणाएं दी, दो शिक्षाएं दी ऋषभदेव ने। बात करी थी दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ, हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है। तीसरे हैं संभवनाथ, इनका घोड़ा प्रतीक चिन्ह है। अभी लास्ट में आ जाते हैं 21वें से, लिखेंगे 21वें तीर्थंकर
इनका नाम है भैया नेमीनाथ, नेमीनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह आगे लिखोगे आप नील कमल, नील कमल। नेक्स्ट लिखोगे आप 22वें तीर्थंकर का नाम, तीर्थंकर नाम है अरिस्ट नेमी, अरिस्ट अरिस्ट नेमी। प्रतीक चिन्ह भी फर्दर लिख लोगे आप संख। नेक्स्ट वन 23वें पार्श्वनाथ होंगे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और सांप इनका पार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह भैया इनका सांप होगा, सांप। नीचे कटेगा तो नहीं, अगर लिख दूं नीचे, हाँ। नेक्स्ट 24th वे तीर्थंकर, यहाँ थोड़ा सा और लिखेंगे पार्श्वनाथ। यहाँ पर टोटल चार शिक्षाएं हो जाती हैं, कटेगा फिर यहाँ से हटा के ऊपर लिखता हूँ, यहाँ तक विजिबल होगा, ठीक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, लिखें हम बात कर रहे थे 23वें तीर्थंकर के, कौन है पार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह भैया क्या है, सांप या सर्प। यहां पर शिक्षाओं की बात करेंगे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, अपरिग्रह ये चार शिक्षाओं की बात करी जाएगी। नेक्स्ट आप कहेंगे 24th इनका नाम है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और ये आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है महावीर स्वामी, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं महावीर स्वामी भैया, यहां से लिखता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। इनका जन्म होगा भैया, कब होगा जन्म, जन्म होगा इनका 540 BC में होगा। मृत्यु होगी इनकी 468 BC में, जन्म 540 BC में, मृत्यु कब होगी, कब होगी, तैयार है, कोई दिक्कत कटाकटी नहीं हो रही, ठीक है। 540 BC में मृत्यु होगी, 468 BC में, हाँ। जन्म स्थान भी लिखेंगे, जन्म स्थान कुंडल ग्राम होगा, कुंड ग्राम। और ये पड़ता है भैया वैशाली में। और मृत्यु इनकी होगी पावापुरी, पावापुरी में। वहीं इतनी सारी चीजें लिख ली। इनके पिता का नाम लिखेंगे, किसके पिता भैया, पार्श्वनाथ के नहीं, मैं इनको हटा दे रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग समझो। तो मैं यहाँ 24th लिख दे रहा हूँ, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। आगे से नोट कर रहे थे हम लोग, इनके बचपन का नाम लिखेंगे, बचपन का नाम पहले लिख लो आप 540 BC टू 468 BC। बचपन का नाम है वर्धमान, वर्धमान। और पिता का नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। वंश कौन सा है, वंश इनका जातक है भैया, जातक भी लिखा हो सकता है। माता, माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम है त्रिशला, त्रिशला। ये चेटक की बहन है, चेटक की बहन। ये लिच्छवी नरेश थे, चेटक लिच्छवी, लिच्छवी से थी, लिच्छवी गणराज हुआ करता था, वहीं से थी माता इनकी। बचपन का नाम हो गया, इनके भाई का नाम है नंदीवर्धन। और इनसे लगभग 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में आज्ञा लेकर, आज्ञा लेकर, आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था उन्होंने, गृह त्याग, राइट। इनके दामाद का नाम, पहले पुत्री का नाम लिखते हैं, अनुजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम होगा अनुजा,
आप ध्यान देंगे आपके टॉपिक में लिखा है महावीर स्वामी की जीवनी। जीवनी का मतलब इनसे रिलेटेड, जीवन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट, तो आप इन सारे फैक्टों को फोकस करते रहेंगे और लिखते चलेंगे। उत्तरी अनुज्ञा प्रिय दर्शनी, हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य आपको कम समय में क्वालिटी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड कराना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात करते हैं उत्तरी अनुज्ञा प्रियदर्शनी, इनके दामाद का नाम जमाली था। तो इनके खानदान का थोड़ी पढ़ना है सारा, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं फैक्ट जुड़ रहे हैं, इसलिए इनके दामाद का नाम, इनकी पुत्री का नाम ये सारा लिखवा रहा हूँ। दामाद का नाम था जमाली, ये सबसे पहले राजगृह में महावीर ने स्वामी ने इन्हें शिक्षा प्रदान की थी। ठीक, राइट। तो ये सारी बातें हो गई, मैंने बताया महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 में, 468 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, राइट। जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ कुंडग्राम, जिससे चीज़ें आपको रिकॉल होती जाएँ बार बार, बार बार चीज़ें नज़र के सामने से गुजरेंगी तो आपको याद हो जाएगा, याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, राइट। बचपन का नाम इनका वर्धमान हुआ करता था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये जातक कुल से थे। माता त्रिशला थी, चेटक की बहन हुआ करती थी, और ये लक्ष्मी नरेश, भाई इनके नंदीवर्धन थे, जिनसे 30 साल की आयु में इन्होंने आज्ञा ली थी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना ग्रह त्याग किया हुआ था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग किया है। पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी है, दामाद जमाली है, और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति को इन्हें कैवल्य प्राप्ति बोलता, तो कैवल मतलब ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनका नया नाम कुछ पड़े थे, नए नाम लिखूंगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध इन्हें इन्हें जिन केवलिन जिनेन्द्र आदि, इतने नाम ठीक हैं, आदि नाम से बुलाया गया, नामों से, निग्रंथ भी लिख सकते हो आप, निग्रंथ निग्रंथ आदि नामों से बुलाया गया, आदि नामों से बुलाया गया, बुलाया गया, फाइन। मैंने बताया आपको ज्ञान प्राप्ति जब इन्हें हो जाएगी तो इन्हें किनके नाम से बुलाएंगे, केवलन कहेंगे, जिनेन्द्र कहेंगे, निग्रंथ कहेंगे, ये सारे नाम इनके हो जाएंगे, फाइन। मैं तब तक इंक डाल लेता हूँ, आप इनको नोट करेंगे। हटा दूं इसको, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहां पर, निरंजना नदी थी और पीपल का वृक्ष था, कौन सी नदी थी, निरंजना, पीपल का वृक्ष था। लेकिन महावीर स्वामी को, अच्छा, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था 29 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ा था, और 6 साल बाद मतलब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, कुछ इस तरह से था उनका। महावीर स्वामी को थोड़ा सा और स्ट्रगल करना पड़ेगा ज्ञान प्राप्ति के लिए, इन्हें 12 वर्ष का समय लगेगा, 12 वर्ष लगभग के बाद, मैं लगभग बोल रहा हूँ, लगभग 12 वर्ष के बाद, लगभग 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। और इस इनके ज्ञान प्राप्ति के क्रम में इन्होंने प्रथम वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे बिताया था, अशोक वृक्ष के नीचे, एक नदी का नाम है स्वर्ण बालुका नदी, स्वर्ण बालुका नदी, स्वर्ण बालुका नदी हुआ करती थी, उसके किनारे अशोक वृक्ष के नीचे इन्होंने बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन वहां पर केवल एक ही वर्ष बिताया, इसके फर्दर दिए 11 वर्ष और लगभग 6.5 माह, इसके समथिंग कुछ 6.5 माह, 11 वर्ष 6.5 माह के समथिंग कुछ दूसरी जगह गए थे। वो वृक्ष हुआ करता था साल का वृक्ष, साल का वृक्ष, तो इसके नीचे रिवर हुआ करती थी ऋजुपालिका,
किनारे, इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फाइनली ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति, और मैंने मिटा दिया है, तो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन कहेंगे, इनको केवलिन कहलाए। जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें जो ज्ञान मिला तो इसके बाद ये उपदेश देंगे, और पहला उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश राजगृह में देंगे। कहाँ? राजगृह में। भाषा का यूज करेंगे अर्ध मागधी, इस भाषा में इन्होंने ज्ञान जो प्राप्त हुआ था उस ज्ञान को जमाली, अपने दामाद जमाली को दिया। पहला उपदेश किसको मिला? जमाली को। कौन सी भाषा? अर्धमागधी भाषा। इसके बाद सारे उपदेश, इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद सभी उपदेश, इसके बाद के सभी उपदेश किस भाषा में है भैया? सारे के सारे उपदेश जो रहेंगे वो प्राकृत भाषा में, प्राकृत। एक बार चेक करना, ये विजुअल है या नहीं? नीचे नहीं विजुअल है, है विजुअल है। हाँ, इसके बाद यहां लिख दे रहा हूं, इसके बाद प्राकृत भाषा। भैया सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं पूछता क्या ही हूं, अब तो ऑनलाइन हो तो सारे मन में ही आंसर देना, बताना कि इन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो राजगृह में दिया, भाषा का प्रयोग किया अर्धमागधी भाषा, और रियली इनके बाद में सारे सारे उपदेशों में भाषा का प्रयोग करेंगे प्राकृत भाषा में। आपको बताना ये है, सोचना ये है कि जो जो इनके पहले पढ़ा हुआ था बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, उन्होंने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया हुआ था? तो शायद सोच पा रहे होगे, बहुत सारे अगर रिविजन किया होगा, पाली भाषा हुआ करती थी, इतना सारा नोट हो गया होगा, इसके आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लिखेंगे त्रिरत्न, त्रिरत्न, तीन रत्न, सम्यक जोड़ते चलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक अभी आपको आपने देखी, दर्शन मतलब देखना, किसी चीज को देखना, आपने देखा, ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर आपने जो ज्ञान लिया उसके अनुसार आपको उसको अप्लाई करके, ज्ञान को अप्लाई करना है और रिएक्ट करना है, मतलब आचरण, आपके आचरण होंगे। सम्यक का मतलब यहाँ सही होता है, सही दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण, ये सारा। जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म ज्ञान मीमांसीय दर्शन है, ज्ञान मीमांसा लिख दे रहा हूं, खोज विवेचना जानकारी, ये सब होता है, मतलब ज्ञान मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है खोज विवेचना जानकारी आदि आदि आदि। तो ज्ञान की खोज के लिए इसमें दो तरह की बात करते हैं, अनेकांतवाद की बात, अनेकांतवाद और एक स्यादवाद, इसे सप्तभंगी न्याय भी बोलते हैं, सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत। ठीक है, अनेकांतवाद, अनेकों चीजें हैं, किसी भी चीज की व्याख्या एक तरह से नहीं की जा सकती। स्यादवाद, स्यादवाद का मतलब ये होता है कोई भी चीज एक दृष्टिकोण से सही हो सकती है, सारे दृष्टिकोण से नहीं। एक एग्जांपल देते हैं हाथी का, कि जैसे एक अंधा, दो तीन चार अंधे हैं, तो अंधों को एक बार हाथी प्रस्तुत किया गया उनके सामने, और पूछा गया कि बताओ ये हाथी कैसा होता है, तो जिसने उसकी सूंड पकड़ी तो उसने कहा हाथी एक लंबा लंबा घुंडीदार होता है, जिसने पैर पकड़ा उसका तो उसने कहा हाथी एक खम्भे की तरह होता है, इसने पूंछ उसकी टच की उसने बताया कि हाथी बिल्कुल झाड़ू की तरह होता है। तो ये सारी बातें तो ठीक ही थी, लेकिन अगर उसके आगे स्याद लगा दिया जाए, स्याद, स्याद हाथी पूंछ की तरह है, तो फिर बात ठीक हो जाती है। तो यही सारा स्यादवाद का सिद्धांत, सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आपसे सवाल भैया यही होगा कि स्यादवाद का सिद्धांत किस दर्शन से प्रेरित है, बस इतने से आपसे आपका काम चल जाएगा। आगे फर्दर मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे चलता हूँ।
भैया इंपॉर्टेंट है जैन धर्म की संगीतियां, और संगीतियों को जल्दी से देखते हैं। जैन धर्म की संगीतियां, जैन संगीतियां, संगीतियां दो संगीतियां होंगी, पहली पहली संगीति और दूसरी संगीति। लिखेंगे पहली संगीति कब होती है, देखें 300 बीसी में होगी, और दूसरी संगीति कब होगी, लिखा हुआ दिख तो रहा होगा, 512 बीसी, अभी ठीक लग रहा है। हाँ, पहली संगीति 300 बीसी में हो रही है, ये पाटिल पुत्र में होगी, पाटिल पुत्र, और इसके अध्यक्ष होंगे स्थूल भद्र, राइट। दूसरी संगीति कहाँ होगी, आप सारे जानते होंगे इसका नाम, वल्लभी नाम है इसका, और इस समय अध्यक्ष कौन होगा, देवादि क्षमा श्रवण, कितना अच्छा नाम है, मैंने नहीं रखा है पहले से था, देवादि क्षमा श्रवण। 300 बीसी में पहली जैन संगीति होती है पाटिल पुत्र में, स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे, 512 बीसी में दूसरी होती है वल्लभी में, और देवादि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष होंगे, सॉरी मैंने बीसी लिख दिया, यहाँ एडी होगा, एडी इसको करेक्ट कर लेंगे, 512 एडी, ठीक है, इतनी सी बात है। आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देखो भैया 300 बीसी बात ये थी, यहाँ से आ रहे होंगे तो जब यहाँ बीसी होगी, बीसी 312 यहाँ होगा, मैंने टाइम लाइन के एग्जांपल देके आपको बताया भी था, 311 310 ऐसे चलेंगे यार, फिर जीरो मिलेगा, फिर यहाँ से 501 502 ऐसे करके 512 एडी, ये सारी संगीतियाँ इसके होंगे। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड करेंगे कहाँ, तीन कसाय हैं, कसाय मतलब बुराइयाँ, क्रोध माया मान, क्रोध माया मान। उसके बाद देखेंगे साहित्य, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं, आगम, और आगम में क्या क्या पढ़ना है, पूर्व पढ़ना है, पूर्व, दूसरा पढ़ना है उपांग, और मतलब तीन अंग है इसके साहित्य में, आगम, आगम जिसको बोलते हैं, और तीसरा है छेद सूत्र, छेद सूत्र। भैया 11 गणधरों की बात करी गई है जैन धर्म में, जैन धर्म में 11 गणधर, राइट, जैन धर्म में 11 गणधर हैं। इसके बाद बात करते हैं जैन महावीर स्वामी की, जब मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु के समय इंद्रभूति एक अध्यक्ष हुआ करते थे, इंद्रभूति अध्यक्ष थे, अध्यक्ष फैक्ट है ये, डायरेक्ट नोट करेंगे थे। इनके बाद सुधर्मन, इनके बाद बाद अध्यक्ष कौन बना, सुधर्मन अध्यक्ष, सुधर्मन, और जैन बिच्छुनी बनी थी, बिच्छुनी चंदना अध्यक्ष, अध्यक्ष बनी हुई थी। बात करिए जैन धर्म में तीन कसाई की बात है, क्रोध माया मान, साहित्य, साहित्यों को आगम बोलते हैं, पूर्व हैं, उपांग हैं, छेद सूत्र हैं, पूर्वों की संख्या 12 है, जैन धर्म में 11 गणधर हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय इंद्रभूति अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके बाद अध्यक्ष बन रहे हैं सुधर्मन, विष्णुनिधि चंदना, अभी बताया था कि महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश किसको दिया था, जमाली को दिया था, वो उनके दामाद हुआ करते थे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे लिखेंगे, जैन धर्म फैक्ट है थोड़े से देखेंगे, जैन धर्म जो है दो शाखाओं में विभाजित हुआ, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, नाम से ही लग रहा है, श्वेत अंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और ये निर्वस्त्र, निर्वस्त्र रहते थे, ये उत्तर में ही रहे, उत्तरी भारत में ही, और ये दक्षिण भारत में चले गए, दक्षिण
भारत में चले गए। और इसके इनके अनुयायी का नाम था स्थूल भद्र, और इनका नाम था इनका भद्र बाहु। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे भद्रबाहु, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार करने के लिए सुहस्तिन नामक बौद्ध भिक्षु गया था। जैन सॉरी जैनिज्म पढ़ रहा है, जैन भिक्षु गए थे। फिर से देखो, मैं बता रहा था जैन धर्म में दो शाखाओं का विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर ये निर्वस्त्र रहते हैं। ये भैया कहते हैं दिक् प्लस अंबर। इसका मतलब दिक् मतलब दिशाएं, और अंबर मतलब कपड़ा, या मतलब जो भी वस्त्र है वो इनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं। ये नग्न रहते हैं, इसके लिए ये कहते हैं हमें कपड़ों की जरूरत नहीं है, ये चारों दिशाएं ही हमारे कपड़े हैं और ये हमें पहने हुए हैं। तो दक्षिण भारत में ये लोग चले गए थे दिगंबर, और डिवीजन जो हुआ था जैन धर्म का श्वेतांबर दिगंबर में, दिगंबर निवस्त रहते थे, दक्षिण भारत में चले गए, और इनको मानने वाले भद्रबाहु थे, और भद्रबाहु के अनुयायी सारे दिगंबर कहलाएंगे, स्थूल भद्र के अनुयायी सारे श्वेतांबर कहलाएंगे। ये उत्तरी भारत में ही रह गए, लेकिन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में श्वेतांबर को मानने वाले स्वहस्तिन नाम के जैन भिक्षु जाएंगे, और वो दक्षिण में प्रचार करेंगे। और इस तरह से मोस्टली जैन धर्म के हमने सारे के सारे फैक्ट को कवर करने की कोशिश करी। इसके बाद आप लिख लो षट दर्शन, भारतीय दर्शन है, छह दर्शन है, उनके नाम लिख लो षट दर्शन। षट दर्शन देखो, सांख सांख दर्शन ऐसे लिखो, दूसरा सांख न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा, फिफ्थ वन उत्तर मीमांसा, पांचवा योग छूट गया, योग लिखो, योग योग दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन। भैया लिखेंगे वैशेषिक दर्शन, सब जगह दर्शन दर्शन आप लिखते रहोगे। इनके प्रणेताओं का नाम लिखेंगे, सांख के हैं कपिल मुनि, न्याय के हैं न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सही है जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण, योग के सब जानते हो पतंजलि, महर्षि पतंजलि। ये सारे के सारे षट दर्शन है, इन्हें भारतीय दर्शन बोलते हैं, भारतीय दर्शन, राइट। लिखोगे महावीर, सॉरी महावीर नहीं, देखो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले वाले शासक, इसमें इंक डालना है यार, थोड़ा सा रुकना मत, रुक तो मैं शॉप कर दूँ, अब ठीक है, स्टार्ट कर दिए, हाँ ठीक चल रहा है। बात कर रहे थे हम लोग जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासकों, पहला पहला लिखेंगे, पहला खारवेल, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा
अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष फोर्थ वन होगा, मौर्य वंश से प्रतापी राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। इस जैनिज्म के बाद इन्हीं को पढ़ना है। नेक्स्ट वाला होगा उदयन और नेक्स्ट वाला होगा संप्रीति। संप्रीति फिर से खारवेल, अजाशत्रु, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और संप्रीति, ये सारे जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक हैं। आई होप सो जैनिज्म के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिए। और आप एक फैक्ट और नोट कर लो, एक फैक्ट नोट कर लो, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म ऐसे लिखो, बौद्ध धर्म मत लिखो, कौशाम्बी, कौशाम्बी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। कौशाम्बी भैया यूपी में ही पड़ता है, दोनों की तीर्थ स्थली है, तीर्थ स्थली है, स्थली है, मतलब बुद्धिज्म में ये कॉमन है कौशाम्बी। और एक चीज और लिख लो, आजीवक हुआ करते थे, आजीवक ये संप्रदाय हुआ करता था। इसके प्रणेता हैं मखली घोषाल, बस इतना ही ठीक है, मखली घोषाल इसके प्रणेता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना, उसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे इस तरह से। इस जैनिज्म को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम, थैंक यू।